करौली का शिवरात्रि पशु मेला पुराने मेलों में से खास मेला है, जिसमें प्रति वर्ष अन्य राज्यों राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के व्यापारी भी पशुओं की खरीद के लिए आते हैं। इन पशु व्यापारियों के साथ में पशुपालन विभाग के नाके पर लगने वाले कर्मचारियों द्वारा पशुओं पर लगने वाले निर्धारित शुल्क के स्थान पर मनमानी रकम वसूल की जाती है। मनमानी पैसा लेते हैं यहाँ सरकार की रेटिंग, सरकार की रेट कुछ भी है, एक एक पे 40-40, 20-20 चार्ज ले लेते हैं। आपसे भी लिया था? हाँ, हमसे भी लिया है। आपने जब कहा कि पर्ची वापस दे देते हैं आपको? हाँ दे देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, कहते हैं ले जाओ। पर्चियों में कितनी रेट लिखी हुई है? पर्चियों में 8 रुपए लिखी हुई है, 8 रुपए। और पैसे कितने लिए जाते हैं? पैसे लिया 20 रुपए, 30 रुपए। आपने कुछ कहा नहीं कि? नहीं, हमने कहा, इतने व्यापारी ने कहा परसों हमारे सामने, राजस्थान की इतनी रेट लगती है। गवर्नमेंट की जो निर्धारित रेट है उसके हिसाब से रवाना कटेगा। और क्या है निर्धारित रेट? जी हाँ, निर्धारित रेट है। ये रेट तो लास्ट 76 से चले आ रहे हैं। ऊंट ऊँटने के लिए है 8 रुपया रेट है गवर्नमेंट का, और बैल बछड़े के लिए 5 रुपया, घोड़ा घोड़ी के लिए 6 रुपया, और भैंस पाड़ा के लिए 2.5 रुपया, खच्चर के लिए 2.5 रुपया, गधे के लिए 2 रुपया, भेड़ बकरी के लिए 50 पैसे। ये रेट है निर्धारित, इससे रवाना कटेगा। कहीं जाना कोई चाहता है तो उस पे आप इतना रवाना देख के वो जा सकता है। 4-5 दिन पहले रवाना कर दिया, पहले एंट्री से काट के लिया। तो उसमें क्या रेट ली गई थी? अब वो डबल रेट ली, डबल रेट मतलब क्या है, 11 गुनी काट के लिए और काट ले लिया उनका। जब रवाना कटे उस टाइम कोई लिस्ट वगैरह लग रही है सरकार की? कोई सरकार जिसके लिए कह दिया भाई हमें जाना है यहाँ से, फिर डबल पैसे दे और चले आ, पैसे डबल ले लिए और चले गए वो निकल। काकी माता जी की रसीद वगैरह आपके? रसीद उनको वही दी नहीं जो एक रेट की और पैसे जो डबल ले लिए। आपने कुछ शिकायत वगैरह की उनकी? शिकायत कौन सा करे, कौन शिकायत करता, सब वही है करने कार्यकर्ता। प्रशासन को इसके प्रति ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हर वर्ष आने वाले विभिन्न राज्यों के पशुपालकों के साथ में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। वह प्रशासन को सख्त भी होना चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।